नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर में 30 प्लस एक सरप्राइज क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस का सेट पेपर है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखकर अपना एक टेस्ट दीजिए और चेक कीजिए कि आपके जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसी चल रही है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर डे सुबह 6:30 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास लाइव होती है, तो आप रोज़ लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आपको हो और आपका कोई भी टेस्ट ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ग्रीन चैनल क्या है, बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार की डाक सेवा है जिसको ग्रीन चैनल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, भारत रत्न पाने वाला खेलों का व्यक्ति कौन है, अर्थात इन चार ऑप्शन में से वह कौन खेल व्यक्तित्व तो है जिसको भारत रत्न मिला है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी। सचिन तेंदुलकर वे व्यक्ति हैं जो खेल से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से संबंध रखते हैं, और इनके लिए भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, आपको पूछा गया है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित होगा। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो डाटा घेरने या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटा आएगा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर, भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग ए जी टेंसले ने किया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 प्रकार के कार्यों को सौंपा गया है। ये 29 प्रकार के कार्य ग्राम की स्वच्छता और ग्राम के बेहतर निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं, तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अत्यधिक दूरी का होना माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का 89% ऑप्शन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, सैंडलर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर,
राज्य में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बतलाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ये दोनों राज्य सही क्रम दर्शाएंगे सबसे अधिक और सबसे कम प्राप्त करने वाले दो राज्यों के क्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो फूड चेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिनमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो संवैधानिक संशोधन ऑप्शन 73 नंबर, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, भारत के किस एक संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो भारत का दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, भारत के दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, इनमें से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं, नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, बस इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों पर जो है आंदोलन का एक प्रकार से कहें तो स्वरूप अलग अलग लोगों के माध्यम से देखने को मिला था, इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था पर्टिकुलर, लेकिन हाँ प्रसिद्ध महात्मा गांधी इसके थ्रू जरूर हुए थे, लेकिन नेतृत्व अगर कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां स्क्रीन पर, संघ शासित क्षेत्र जिसकी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो संघ शासित क्षेत्र जिसकी विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है ऑप्शन नंबर बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, भारत सॉरी 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देसी राज्य के बीच में संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, गांधी सागर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए,
चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने। यह रहा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन जो है हरिपुरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो थीन बांध जो है रावी नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इरहा स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैंने लाइव क्लास में इसका आंसर आपको बताया है। चैनल पर आपके लिए जो भी क्वेश्चंस मिले हैं ये पर डे अपलोड होते हैं, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे पर डे के टेस्ट सेट पेपर और पर डे की लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपकी एक भी क्लास ना छूटे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, तो अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।